बताना चालू करो तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे फ्रोजन शोल्डर की कंडीशन में, इसको फ्रोजन शोल्डर या एडहेसिव शोल्डर या पीए शोल्डर अलग अलग नामों से जाना जाता है, पर आज की डेट में ये कॉमन प्रॉब्लम हो गई है जिसमें कि कई बार हम लोड लिफ्टिंग करते हैं, सडन इंस्टेंट मूवमेंट हो जाते हैं, या कभी कभी अर्थराइटिस की वजह से, ये जो रीजंस हैं इनकी वजह से शोल्डर जो है वो जाम होने लगता है, मूवमेंट हमारा ब्लॉक होने लगता है और पेन जनरेट होता है। तो उस कंडीशन में हम क्या ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराते हैं, और सबसे अच्छा कि जो ग्लाइडिंग का इम्पॉर्टेंस है, जो मोबिलाइज करते हैं, उससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, जो कि मैम ने अप्लाई किया हुआ है। फर्स्ट सिटिंग में ही लगभग 50% जो हैंड लॉक था, जो जॉइंट लॉक था, वो रिलीज़ हो गया, और दूसरे तीसरे सिटिंग में कंप्लीट जो है वो जॉइंट रिलीज़ हो गए हैं। तो वो हम आपको बताएंगे। इसके साथ में ही हमने इनमें कायरोप्रैक्ट भी किया था, जिसमें कि जॉइंट को रिलीज़ करने के लिए काफ़ी अच्छी टेक्निक है, बट थोड़ा सा केयरफुल करना पड़ता है, बिकॉज मे बी अननेसेसरी ओवर थ्रस्ट की वजह से बोनी प्रॉब्लम हो सकती है या फिर सॉफ्ट टिश्यू इंजरी हो सकती है। तो ये आप अप्लाई कर सकते हैं, पर केयरफुली। तो अभी मैंने मैम को शॉर्ट वेव डायाथर्मी लगाया था हीटिंग पर्पस से। अभी हम मोबिलाइज करेंगे, और मोबिलाइज करने में हम आपको बताएंगे कि जो ग्लाइडिंग है वो ग्लाइडिंग का इम्पोर्टेंस क्या है और किस तरीके से ग्लाइडिंग करेंगे, ताकि जनरल जो इफ़ेक्ट्स हैं वो हमारे बढ़ जाएं और कपल ऑफ सिटिंग्स में ही पेशेंट ठीक होके घर चले जाएं। क्योंकि मैंने देखा है लोगों को काफ़ी लेंथी टाइम लगा है, कई हॉस्पिटल्स में, क्लिनिक्स में देख रहा हूँ, पेशेंट आ रहे हैं, बस थोड़ा सा हुआ और बस कंटिन्यू चलता जा रहा है। बट दिस नॉट अ इम्पॉर्टेंट ये है कि कितना जल्दी हम पेशेंट को ठीक करें और वो खुशी खुशी अपने घर जाएँ। तो आज की डेट में तो जॉइंट पूरा ओपन हो गया है, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि आप लोगों को थोड़ा सा जानकारी दूं मैं इस चीज़ के लिए कि इसको कैसे बेहतर तरीके से ठीक किया जा सकता है। तो ये अभी जॉइंट जो है वो पूरा रिलीज़ हो चुका है, लेकिन अभी थोड़ा सा पेनिक है, मतलब पेन अभी बाकी है और जॉइंट फ्री हो गया है, जबकि ये जो जॉइंट है ये रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, आगे की तरफ नहीं जाता। सीवियर कंडीशन में ये हाथ इतने से ऊपर नहीं जाता, जनरली थ्योरी बोलती है कि 45 अबव नहीं जाता, पर मैंने प्रैक्टिकली देखा है कि पेशेंट का हाथ इतने से ही ऊपर नहीं जाता, ये लॉक हो जाता है शोल्डर जॉइंट, और विद स्कैपुला बैक साइड जितना मूव करता है तो करता है, अदरवाइज नहीं करता। तो अभी जनरल मूवमेंट करेंगे, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये तो फ्री हो चुका है बावजूद इसके, इनिशियली अगर स्टार्ट करते हैं इसको, आप ये समझें कि अगर सीवियर कंडीशन है या तो हमें क्या करना है, इनिशियली प्रॉपर तरीके से ग्रिपिंग करनी है, इसके बाद ट्रैक्शन देना है। ट्रैक्शन इम्पॉर्टेंट है, बोलना है पेशेंट को कि बॉडी पूरी रिलीज कर दें, छोड़ दें, इसके बाद लाइटली ट्रैक्शन देना है ताकि शोल्डर जॉइंट जो है बिल्कुल धीरे से ओपन हो। कमर अंदर करिएगा मैम, कमर को अंदर रखना है और शोल्डर को बाहर रखना है, इसके बाद यूं और लाइटली थ्रस्ट देना है, खिंचाव करना है इस तरीके से अभी, और धीरे धीरे इसी के साथ में, ट्रैक्शन के साथ में रेंच को बढ़ाना है। एक तो ये तरीका हो गया, जिस तरीके से हम ऐसे ट्रैक्शन के साथ में रेंच बढ़ाएंगे, और दूसरा जब रेंच बढ़ने के बाद जनरल हम मूवमेंट करेंगे, तो जब ये एक्सिस लेवल पे जाता है तो थोड़ा सा पेन जनरेट करता है। ओके, अब इसमें मैं बता रहा था ग्लाइडिंग, इसमें क्या होता है, एंटीरियो पोस्टीरियर सुपीरियर इन्फीरियर ग्लाइडिंग होती है,
वो ग्लाइडिंग का इम्पॉर्टेंट ये है, वो भी द ट्रैक्शन होता है। ट्रैक्शन के साथ में हम जॉइंट को रिलीज करने की कोशिश करते हैं, जस्ट लाइक यू पकड़ा और एक इधर पकड़ा और इसके बाद यू। अगर मैं यहाँ पे बताने की कोशिश करूँगा तो ये पकड़ने के बाद थोड़ा सा ट्रैक्शन के साथ में ये जो ग्लाइडिंग देते हैं तो इससे जॉइंट रिलीज होता है। हर एक पर्सन का अपना एक तरीका होता है ग्लाइडिंग करने का, और मैं यहाँ से एक्जिला पार्ट में हैंड को प्रेस करके ये ट्रैक्शन दूंगा। इसके बाद बोथ हैंड से यहाँ पे मोबिलाइज करने की कोशिश करूँगा। पेन हो तो बताइएगा आप, है ना। इस तरीके से ट्रैक्शन के साथ में ग्लाइड करेंगे हम। ये सुपीरियर इन्फीरियर है, ये देखिए, हम ये नीचे की तरफ लेके गए और ये ऊपर, इस तरीके से। और साथ में ट्रैक्शन के साथ में रेंज को हम इंक्रीज करते जाएंगे। इस तरीके से पहले हल्का थ्रस्ट देना है, फिर थोड़ा बढ़ा के, फिर ज़्यादा। इसी तरीके से सुपीरियर इन्फीरियर में भी और फिर इस तरीके से जॉइंट को रिपीट, जॉइंट पे रिपीट मूवमेंट करना है। अब ये पूरा फ्री हो गया है, ये पूरा बेड से टच हो जा रहा है। अभी इंटीरियर पार्ट में हम शोल्डर में थोड़ा सा हैंड लगा के एक इनिशियली थ्रस्ट देंगे अपर साइड पे। रिलैक्स। तो इस तरीके से इनिशियल ग्लाइडिंग करेंगे। इम्पॉर्टेंट है, अगर ऐसी कोई कंडीशन है तो बेस्ट ऑप्शन है कि सबसे पहले तो फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करें और वहाँ ट्रीटमेंट लें प्रॉपर तरीके से। अपने से ऐसा कुछ करने की कोशिश ना करें कि वो प्रॉब्लम आपकी और बढ़ जाए। उठिएगा, अब जो ग्लाइडिंग थी वो ग्लाइडिंग पोस्टीरियर कंडीशन में हम कैसे देंगे। अभी सुपाइन कंडीशन में थे, अभी प्रोन कंडीशन में है पेशेंट। जब प्रोन कंडीशन में है तो हैंड को हमें बाहर की तरफ यूँ लेना है। इसके बाद इसमें भी हम इनिशियली थ्रस्ट डाल सकते हैं। इस तरीके से बाकी ट्रैक्शन के साथ में हम वापस से वही ग्लाइडिंग रिपीट करेंगे और रेंज को बढ़ाते हुए इस तरीके से हम ग्लाइडिंग करेंगे। इसके बाद तो इसमें जो हम हैंड्स को रोटेट करते हैं, ये मैं डीप टिश्यू रिलीज कर रहा हूँ, ये मेरा तरीका है। इसमें थोड़ा सा पेन कम होता है और जॉइंट रिलीज थोड़ा सा फास्ट होते हैं। ये नंबर